मित्रों, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रात में आने वाले ये स्वप्न भविष्य से जुड़े कुछ संकेतों को लेकर आते हैं। अब वो शुभ होंगे या अशुभ, ये तो सपने में दिखने वाली वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। इन्हीं सपनों की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं सर्प से जुड़े एक ऐसे स्वप्न की, जिसे लगभग हर मनुष्य ने कभी न कभी अवश्य देखा होगा। जी हाँ, क्या आपने कभी स्वप्न में सांप को डसते हुए पाया है? यदि हाँ, और आप भी जानना चाहते हैं कि स्वप्न शास्त्र इस स्वप्न से जुड़े किन संकेतों को बताता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, सांपों से जुड़े सपनों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र का ये मत है कि सांपों से जुड़े स्वप्न देखने वाला व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित हो सकता है, जो विशेषतः कुछ सपनों का वर्णन करते हुए बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को सपने में सांप पीछा करते हुए दिखाई दे, पानी में तैरता या फिर हाथ पैरों में लिपटा हुआ दिखाई दे, या फिर ऐसे दिखे जैसे कि सांप आपस में लड़ाई कर रहे हो, सांप आपको डस रहा हो, या तो आपको बार बार सांप से जुड़े स्वप्न ही आ रहे हो, तो आपको बता दें कि ये सभी आपके काल सर्प दोष से पीड़ित होने के संकेत हैं, जिसे मिलते ही आपको जल्द से जल्द अपनी कुंडली दिखवाकर पंडित से इसका उपाय करवाना चाहिए। किंतु यदि काल सर्प दोष नहीं है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस स्थिति में सपने में सांप का डसना भविष्य में आपको कोई गंभीर बीमारी होने का संकेत देता है। लेकिन अगर सपने में सांप काटने की कोशिश करे और असफल रहे, तो ये स्वप्न एक शुभ संकेत में परिवर्तित हो सकता है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि आप शीघ्र ही किसी काम में जीत हासिल करेंगे। और यदि सपने में सांप ने आपको काट तो लिया है, पर अब आप अपने आप को इलाज कराते हुए देखते हैं, तो ये स्वप्न इस ओर इशारा करता है कि भविष्य में जो कोई बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आने वाली थी, अब वो टल चुकी है। मित्रों, इस स्वप्न के अलावा स्वप्न शास्त्र में सांपों से जुड़े कुछ और शुभ और अशुभ संकेत देने वाले सपनों को बताया है। चलिए पहले आपको सांपों से जुड़े कुछ शुभ सपनों के बारे में बताते हैं। सपने में यदि आप किसी मंदिर के अंदर सांप को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। और यदि मंदिर में भी शिवलिंग पर सांप लिपटे देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि अब आप पर सदैव शिव जी की कृपा रहेगी। बताया गया है कि ऐसे लोगों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होने के आसार रहते हैं। साथ ही यदि सपने में आप सांप को किसी पेड़ पर चढ़ता हुआ देखें, तो ये इस ओर इशारा करता है कि आपका इतने समय से अटका हुआ पैसा जल्द ही वापस मिलने वाला है। और यदि चढ़ाई करने वाला ये सांप सफेद रंग का हो, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि आपको तांबे के रंग का सांप दिखे, तो ये आपको दुश्मनों से सचेत रहने का संकेत देता है। आपको बता दें, अगर आप राहु दोष से पीड़ित हैं और सपने में मरा हुआ सांप देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, जिसके अनुसार अब आपका राहु दोष से उत्पन्न सभी कष्टों को झेलने का समय खत्म हो गया है और शुभ घड़ी ने दस्तक दे दी है। ऐसे ही सपने में सांप को फन उठाए देखें या फिर खुदाई करते समय सांप निकलता हुआ देखें, तो ये धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सांप के सपनों से जुड़े कुछ अशुभ संकेत। मित्रों, यदि सपने में आपको नाग नागिन का जोड़ा या फिर बहुत सारे सांप दिखाई पड़े, तो ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है। हालांकि अगर आप सपने में इन सांपों को मार देते हैं या फिर इनसे बचकर निकल जाते हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आप आने वाले संकट पर विजय पा लेंगे। इसी प्रकार सांप नेवले की लड़ाई देखना कानूनी लफड़ों में फंसने का इशारा करता है, और सपने में सांप पेड़ से उतरता हुआ दिखाई दे, तो ये स्वप्न भी धन हानि का संकेत देता है। यदि सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है और आप बहुत घबराए हुए हैं, तो ये भी एक अशुभ संकेत है, जिसका मतलब है कि आप भविष्य के प्रति डरे हुए हैं और कोई चिंता आपको खाए जा रही है। ये भी हो सकता है कि आप किसी सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं,
या फिर उस राज के खुल जाने का आपको डर है। सपने में सांप द्वारा दांत दिखाना भी इस बात का संकेत है कि आपका कोई अपना धोखा देने वाला है या वो किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सचेत रहें। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको बताए गए इन सपनों के अलावा सांपों से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न है जो परेशान करे जा रहा है, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स, और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।